झंडा ऊंचा रहे हमारा, गाए मिलकर भारत सारा, सारे जहां से अच्छा चंद्रयान हमारा। आज ये गीत हर एक भारतीय के मन में गूंज रहा है, क्योंकि इसरो ने एक नया इतिहास रचते हुए चांद पर फतह हासिल कर ली है। दोस्तों, इस वक्त इसरो की तरफ से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सचमुच जिस पल का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो पल आ चुका है। इसरो के वैज्ञानिक के पिछले 10 सालों की मेहनत रंग ला चुकी है और भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। आज भारत अपने यान को पहली बार पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे पिंड पर सुरक्षित उतारने में कामयाब रहा है। इस ऐतिहासिक पल को करोड़ों भारतीयों ने लाइव देखा है और इस सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को मुबारकबाद देने के साथ साथ अगले स्पेस मिशन के लिए बड़ा फंड देने की बात तक कह दी है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि लैंडिंग के दौरान कुछ पलों के लिए इसरो के ग्राउंड सेंटर का विक्रम लैंडर से संपर्क कमजोर हो गया था और वो बड़ी गलती कर बैठा था जिससे ये मिशन फेल हो सकता था। तो आखिर कैसे हुई विक्रम लैंडर की लैंडिंग और क्या थी वो गलती, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, कल रात चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अपनी आखिरी कक्षा में घूम रहा था और लैंडिंग काउंटडाउन शुरू हो चुका था, लेकिन रूस के लूना 25 मिशन के असफल होने के बाद चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों की चिंता काले बादलों से घिर गई थी। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज में हर तरफ ये सवाल गूंज रहा था कि क्या भारत का चंद्रयान 3 सफल हो पाएगा या नहीं। लेकिन अब बड़ी खुशखबरी यह है कि विक्रम लैंडर हवाओं को चीरते हुए चांद की सतह पर अपना कदम रख चुका है और अपनी तेज दहाड़ से भारत के खिलाफ बोला भला कहने वाले लोगों की बोलती बंद कर चुका है। इसी के साथ चारों तरफ हड़कंप मच गया है और दुनिया भर के देशों को यह यकीन नहीं हो रहा कि भारत, जो अभी 77 साल पहले तक तो अंग्रेजों की गुलामी में था, उसने आज धरती छोड़ो चांद को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया है। दोस्तों, आपको यह जानकर गर्व होगा कि लैंडिंग के साथ रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश और खौफनाक दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन चुका है। साथियों, इसरो ने जानकारी दी थी कि 42 दिनों के लंबे सफर के बाद 23 अगस्त के दिन शाम 6 बजे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा, इसलिए आज सुबह से ही देश भर में चिंता और खुशी का माहौल छाया हुआ था। सभी देशवासी यही प्रार्थना कर रहे थे कि इस बार के मून मिशन में इसरो को सफलता मिल जाए और दोपहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसरो के हेडक्वार्टर पहुंच चुके थे। ऐसे में चारों तरफ चंद्रयान छाया हुआ था और आज उसे कमाल करके दिखाना ही था। तो कैसा था लैंडिंग से पहले का आखिरी एक घंटा, चलिए देखते हैं। तो मिशन की सफलता की उम्मीद के साथ इसरो ने शाम के 5:20 पर विक्रम लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग मिशन की लाइव स्ट्रीम शुरू की और देखते ही देखते करोड़ों भारतीय इस लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बन गए और सभी ने साथ मिलकर विक्रम को लैंडिंग करते हुए देखना शुरू किया। इसके साथ ये डिजिटल इंडिया का एक ऐसा बड़ा इवेंट बन चुका था जिसके व्यूअर्स सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से थे और हर तरफ उम्मीद और फिक्र का माहौल छाया हुआ था। दूसरी तरफ भारत का विक्रम लैंडर 6000 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी कक्षा के सबसे लोएस्ट पॉइंट यानी कि 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहा था और चंद मिनटों के बाद वो समय आ ही गया जब मिशन के सबसे अहम यानी आखिरी में आतंक के 15 मिनट की शुरुआत होने वाली। लैंडिंग के ये 15 मिनट इतने ज्यादा अहम इसलिए होते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में ग्राउंड टीम के पास कोई कंट्रोल नहीं होता और अगर स्पेस क्राफ्ट का सामना किसी मुश्किल से हो जाए तो उसे खुद उस मुश्किल का सामना करना होता है और इसी दौर में ज्यादातर स्पेस मिशन फेल हो जाते हैं। वहीं 4 साल पहले हमारा चंद्रयान 2 भी इसी कोशिश में फेल हो गया था। ऐसे में फुली एसी में बैठने के बावजूद इसरो के वैज्ञानिकों के पसीने छूट रहे थे, लेकिन हिम्मत बनाए हुए करीब 5:45 पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने आखिरी बटन दबाकर विक्रम लैंडर को लैंडिंग करने का संकेत दे दिया। इसी के साथ लाइव टेलीकास्ट देखने वाले हर भारतीय का गला सूख गया था और हर तरफ से चंद्रयान 3 को दुआएं मिल रही थी क्योंकि अगले 15 से 20 मिनट ही चंद्रयान 3 की किस्मत लिखने
वाले थे। खैर, इस बटन को दबाने के बाद चंद्रयान 3 ने धीरे धीरे अपनी कक्षा को छोड़ा और चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस दौरान उसने अपने सभी 9 के 9 सेंसर्स और कैमराज को ऑन कर दिया। बाज की नजर से 360 डिग्री देखने में लगा। साथ ही इस चरण की शुरुआत में विक्रम लैंडर की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसे घटाने के लिए उसने अपने सभी डीबूस्टिंग इंजन भी ऑन कर दिए, जिन्होंने विपरीत दिशा में प्रेशर लगाकर चंद्रयान 3 की रफ्तार को कम करना शुरू किया। यहां तक कि सब कुछ सही चल रहा था और यह सभी काम इसरो की ग्राउंड टीम नहीं बल्कि विक्रम लैंडर खुद कर रहा था, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को शामिल करके इसरो ने इसे एक चलता फिरता ह्यूमनॉइड रोबोट बना दिया था। लेकिन कुछ मिनट बाद आते ही वो खौफनाक पल आया जिसमें कुछ पलों के लिए इसरो का विक्रम लैंडर के साथ संपर्क कमजोर हो गया, क्योंकि यह चंद्रमा की फॉर साइड में उतर रहा था जहां दूरी ज्यादा होने की वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कतें आती रहती हैं। इसलिए वैज्ञानिकों के चेहरे पर फिक्र का माहौल छाने लगा। लेकिन इस बार इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई और विक्रम लैंडर के एडवांस एल्गोरिथम ने फिर से इसरो के साथ संपर्क साध लिया। साथ ही साथ इसकी लैंडिंग प्रोसेस भी चल रही थी और अब यह अपनी रफ्तार को कई गुना कम कर चुका था। साथ ही इसने अपने एंगल को बदलते हुए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर लिया था, जिसके बाद मिशन का अगला चरण शुरू हुआ, जिसमें सतह से करीब 5 से 1 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच विक्रम लैंडर ने अपनी 4x2.5 किलोमीटर की लैंडिंग साइट को स्कैन करना शुरू किया, अपने लिए एक परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट खोज निकाला जहां ना तो क्रेटर था, ना चट्टान थी, ना ही धूल थी और ना ही सतह ज्यादा उबड़ खाबड़ थी। लेकिन इतना लंबा सफर पूरा करके यहां पहुंचने के बाद विक्रम लैंडर में ईंधन खत्म होने लगा था, इसलिए अब बिना देरी किए इसे लैंडिंग करनी थी, जिसके लिए इसने और ज्यादा नीचे बढ़ना शुरू किया और सतह के बेहद करीब यानी 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया, जहां पर इसने अपनी वेलोसिटी यानी रफ्तार को 2 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे तक कर लिया था। मगर थोड़ा एक्स्ट्रा फ्यूल होने की वजह से इसने अपनी रफ्तार को और ज्यादा कम करने की कोशिश की और करीब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह पर एक साथ अपने चारों पैर रखे और शाम 6:05 के करीब चांद की सतह पर लैंडिंग कर ली और चंदा मामा के दक्षिणी ध्रुव को अपनी मुट्ठी में कर लिया। लेकिन यह सेफ लैंडिंग थी या नहीं, ये तो अब इसके उपकरण ही बताने वाले थे, क्योंकि टूट फूट कर तो कोई भी लैंडिंग कर सकता है, लेकिन सेफ लैंडिंग उसे ही कहते हैं जिसमें लैंडिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट के उपकरण ठीक तरह से काम करें। इसी वजह से फाइनल डिसीजंस से पहले इसरो की टीम की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उधर रूस और नासा भी चंद्रयान 3 को लगातार मॉनिटर कर रहे थे। दरअसल एक की सफलता से दूसरी स्पेस एजेंसी हमेशा भूल निकालने की कोशिश करती है ताकि कोई उनसे आगे ना निकल जाए, लेकिन इस बार इसरो दुनिया की कल्पनाओं से भी आगे निकल चुका था और विक्रम लैंडर के टच डाउन सेंसर्स ने ग्राउंड टीम को डेटा भेजते हुए कहा कि लैंडिंग परफेक्ट हुई है। इस लैंडिंग के बाद दोस्तों इसरो ने विक्रम लैंडर के सभी पेलोड उपकरणों को ऑन किया जो बिल्कुल सही काम कर रहे थे, जिसके बाद विक्रम लैंडर का दरवाजा खुला और प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर कदम रखा। इसी के साथ इसरो ने दुनिया में अपनी जीत का परचम लहरा दिया। वाकई ये इतना ऐतिहासिक पल था कि पूरे देश के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरा भारत इसरो की इस कामयाबी का जश्न मना रहा था। यहाँ हमने भी खुशी के इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए जल्दी से वीडियो तैयार किया, क्योंकि हम इस खुशी को अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे। और अब चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की कहानी आपको बताकर हमें कितनी खुशी महसूस हो रही है वो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इसलिए हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, जय जवान, जय किसान, जय चंद्रयान। तो दोस्तों, अगर आप भी चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में इसरो की जय जयकार के नारों से भर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इतना शेयर कीजिए कि भारत के 140 करोड़ लोगों तक ये खुशखबरी पहुंचे। और चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े आगे के अपडेट्स जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।